फाइनल बुलेटिन में हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर दिल्ली से है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो बैठक चल रही थी 11 घंटे से, वो फिलहाल खत्म हो गई है। बीजेपी दफ्तर में सुबह से ही ये बैठक चल रही थी, खत्म हुई है। कोर ग्रुप की बैठक थी, बीजेपी प्रत्याशी चयन पर मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद के बारे में चर्चा हुई, उनके इस्तीफे के बारे में चर्चा हुई। बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बारे में भी चर्चा हुई। बैठक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निकले हुए हैं, यानी बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में पहले और दूसरे फेज के कैंडिडेट को लेकर मंत्रणा हुई है और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। और अभी खबर ये है कि गृह मंत्री के साथ सुनील बंसल और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अभी मीटिंग कर रहे हैं, वो रुके हुए हैं, बाकी लोग यहाँ से अभी चले गए हैं। रवि सर्राफ, अभी का क्या अपडेट है, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, देखिए सुबह से बैठक चल रही थी, बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। अब बैठक से अभी तकरीबन आधे घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा दफ्तर से रवाना हो चुके हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा निकल चुके हैं, पर अभी फिलहाल जो है बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह अलग से बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, सुनील बंसल मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं। इन तमाम नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह अलग से मीटिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, रणनीति बनाई जा रही है प्रदेश उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर और संगठन को भी लेकर, क्योंकि संगठन के नेता है, प्रदेश के अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह। सुनील बंसल लगातार संगठन को गढ़ने का काम करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भारी हैं, तो ऐसे में उनके भी कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है। तो संगठन को और कैसे बूस्टअप किया जाए, जो आपसी जो रंजिश चल रही है, आपसी जो राजनीति हो रही है पार्टी के अंदर, उसे कैसे दूर किया जाए और कितने विधायक अभी फिलहाल की स्थिति में नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि और कितने विधायक जो है नाराज हैं, कितना और डैमेज अभी हो सकता है टिकट अनाउंस होने से पहले, और टिकट अगर हम अनाउंस करते हैं तो उसके बाद की क्या स्थिति बनेगी। तो इन सभी मुद्दों पर जो है बैठक चल रही है और बैठक में अभी केशव प्रसाद मौर्य को क्या जिम्मेदारी दी गई है। देखिए अभी ऐसा कुछ जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिया गया है, वो बीजेपी दफ्तर से निकल चुके हैं, तकरीबन आधे घंटे का समय हो चुका है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अलग से मीटिंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो कोई विशेष जिम्मेदारी उनको इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में नहीं दिया गया है, ना ही टिकट की अगर बात करें तो उसमें कोई विशेष उनकी भागीदारी और उनको कोई जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए रवि सर्राफ।